कुशीनगर के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पक्ष हमारे साथ मौजूद है लेकिन उससे बड़ी बात जो इस शहर के तमाम प्रतिष्ठित लोग हैं जो शहर की जनता है वो भी हमारे साथ मौजूद है और जिनको बखूबी होना भी चाहिए कि आखिरकार मिजाज और मूड आप दोनों की मेहनत से इन्हीं के मन पे ही बनता है एक चीज साहब हमको खूब सिखाई जाती है कि सत्ता से खूब सवाल पूछिए यहाँ खूब नहीं करेंगे बैलेंस करेंगे पहला जरूर करेंगे जब घरों में जा रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं मुद्दे क्या रख रहे हैं किन चीजों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास पर दो ही चीजों पर कई लोग ये बोलते हैं कि कुशीनगर आइए ढेर सारे समीकरण ढेर सारे वादे चीनी मिल का वादा था वो पूरा नहीं हुआ तमाम सुविधाओं को देने की बात थी अभी भी कई लोग एक बड़ी रेल लाइन दोहरीकरण रेलवे स्टेशन दस सालों में कई वादे भी हुए क्या जनता वो भी पूछती है और उस पर जवाब क्या रहता है देखिए हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद जी ने पूज महाराज जी के नेतृत्व में और पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में जैसे कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर ऐसे तमाम विकास के कार्य कराए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारी सड़कों गाँव की सड़कों को पूरे शहरों से जोड़ने का कार्य और अभी जो रेलवे की बात आपने की अभी अंडर पास यहाँ बनने जा रहा है ओवरब्रिज प्रस्तावित है कप्तानगंज में ओवरब्रिज बन चुका है अंडर बन चुका है तो तमाम कर रहे जहाँ तक सुगर फैक्ट्री की बात है सुगर फैक्ट्री न चलने का एक कारण ये एक तो सिटी में है दूसरा ये कि क्या ना कपड़ा मंत्रालय से दस से ऊपर मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में उसके चल रहे हैं हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और अभी हम लोग ढोड़ई फार्म पर देखे हैं यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देखा है और शुगर फैक्ट्री नहीं बनेगी और चलेगी वो दिन लोग लो भूल गए जब समाजवादी पार्टी के सरकार में खाद के लिए बीज के लिए लाठियां गिरती थी पेमेंट सालों में होता था पाँच हज़ार से तीन हज़ार सात हज़ार दस हजार चौदह हजार करके होता था आज पंद्रह दिन के अंदर फुल पेमेंट होता है हम लोग विकास के नाम पर और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे यशस्वी सांसद जी ने जितने वादे किए थे लगभग उसको पूरा किया उससे ज्यादा जैसे कृषि विश्वविद्यालय अभी लोग कहेंगे क्या नाम की रोजगार कृषि विश्वविद्यालय पूरा पूरा रोजगार देगा शिक्षा भी देगा अभी आप देख लीजिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोजगार वहां भी होगा चूकी इंटरनेशनल बोध सर्किट से जुड़ा हुआ है तो ऐसा कहीं कुछ अभी जो सड़कें बन रही है या तमाम कार्य हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज हमारा बना ये तो रोजगार ही है ना लेकिन ये लोग कहते हैं पर एक आलोचना खूब होती है बनकर तैयार फ्लाइटें कहा है जी फ्लाइटें फ्लाइट चल भी रही थी आईएनएस का आईएनएस की वजह से रुका हुआ है चूंकि वहाँ भी मामला कोर्ट में है तीन बड़ी बिल्डिंग वहाँ पहले से बन चुकी थी और उन लोगों ने मुकदमा कोर्ट में कर दिया है इसी वजह से हो रहा है जुलाई में वहाँ के डायरेक्टर ने बोला भी है और क्या नाम है उड्डयन मंत्रालय से भी हुआ है कि जुलाई में हम डोमेस्टिक चलाना शुरू कर देंगे बीच में कोरोना का काल आया अब चूंकि मुकदमा अगर सुप्रीम कोर्ट में या माननीय न्यायालय में जब चला जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है यही दिक्कत है ये बताइए कि बीस हजार करोड़ का एयरपोर्ट जब बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आज भारतीय जनता आज सरकार सरकार आज करोड़ों रुपया वहाँ के क्या नाम है कर्मचारियों को दे रही है अधिकारियों को दे रही है अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान नहीं करना होता तो हम कर्मचारियों का तनख्वाह तो देते नहीं तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है समाजवादी ये बहुजन समाजवादी पार्टी है मैं तो कहता हूँ नमाजवादी पार्टी मैं तो नमाजवादी पार्टी कहता हूँ समाजवादी पार्टी नहीं कहता हूँ ये कांग्रेस जो कांग्रेस है खूनी पंजा जिसने पैंसठ साल तक इस देश के लोगों को लूटा है गरीबी मिटाओ नहीं गरीब मिटाओ का काम किया है ऐसे कांग्रेस पार्टी वाले नमाजवादी वाले ये बहुजन समाजवादी पार्टी वाले आज तक कभी विकास नहीं किए थे केवल और केवल विनाश किया था अगर विकास ओरिजिनल हुआ है पूरे विश्व में अगर भारत का डंका बजा है आज सम्मान भारत को मिला है एक एक जन को सम्मान मिला है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मिला है अभी आप देखिए जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो आवास जब नहीं था इसके पहले इंदिरा आवास आता था अभी एक माननीय जेपी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे जब वो विधायक थे तो बताया उनका वीडियो आके कि दो आवास इंदिरा आवास मिला जिसमें पंद्रह हजार मिलते थे आज इस देश के सरस्वी प्रधानमंत्री पूज्य मोदी जी उत्तर प्रदेश के सरस्वी मुख्यमंत्री जी ने ढाई लाख रुपए आवास का चार करोड़ आवास मिला है जो गर्मी अभी मेरी बात हो रही थी कुछ दिन पहले हम लोग ऐसे ही संपर्क कर रहे थे तो एक महिला बात करते करते रो दी कि जब जाड़ा होता था तो बच्चों के लिए दिक्कत होता था गर्मी होता था दिक्कत होता था और जब बरसात होता था तो सबसे ज्यादा दिक्कत होता था कि बच्चों को लेकर हम लोग रात भर बैठते थे कि कहीं पानी आ जाए कहीं करंट आ जाए जैसे पोल लगे हुए हैं इस प्रकार का विनाश उस समय चलता था लेकिन जब ढाई लाख रुपया इस देश के स्वस्थी मुख्यमंत्री पूज्य मोदी जी ने दिया तो आज एक एक जंग और हमने कभी धर्म और जाति देखकर नहीं दिया सबको दिया

एक एक साल के अंदर शुगर फैक्ट्री चला देंगे नहीं चलती है आदि सौ दिन के अंदर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने धारा का फैक्ट्री बैठा दिया आप नहीं काम करना है तो विष्ट बहाना बनाएंगे काम करना है तत्काल काम कर देंगे और ये कह रहे हैं धर्म की बात रेजंगला को चीन ने कब्जा कर लिया है राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं रेजांगला को चीन ने कब्जा कर लिया आप भी जानते हैं ये राष्ट्रवाद के नाम पे भी फलाफ है सिर्फ इन लोगों का काम है हिंदू मुस्लिम फैलाना और धर्म पे धर्म पे वोट मांगने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम लोग धर्म और जात की बात नहीं करते हैं क्या एक सौ आठ के भी पूछा है कि आप हिंदू है कि मुसलमान है एक सौ दो पूछा हिंदू है मुसलमान है कहीं नहीं पूछा है और रोजगार दो करोड़ रोजगार की बात आदरणीय मोदी जी ने किया है बताया कि रोजगार कहाँ मिला है और आपसे मैं बता दू की ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ गन्ना जो है ये बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई बेटी की शादी सब गन्ने पर आधारित है और इनकी सरकार आज दस साल हो गई बीस रुपया दाम बढ़ा है चार सौ रुपए चार सौ रुपए की बात कर रहे थे लोग आज तक आज तक नहीं बढ़ पाया और खाद का दाम खाद का नब्बे हो चुका है कहा दो सौ उनहत्तर रुपया है तीन सौ तीन सौ तीन सौ उनहत्तर रुपया रूपया नहीं है तीन सौ उनहत्तर रुपया आप नहीं जान रहे हैं गन्ना किसान का बेटा हूँ इसलिए जब बता रहा हूँ आपसे खाद का दाम ये खाद में भी चोरी कर लिए पहले तो ढाई सौ का यूरिया मिलता था अब वो मिलना है साढ़े तीन सौ का एग्जिट पोल 2024 1 एक जून शाम छह बजे से लोकसभा चुनाव के नतीजे चार जून सुबह सात बजे से देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक केवल अमर उजाला पर अमर उजाला डॉट कॉम